A particle is undergoing SHM with amplitude 1 meter and time period is given you 11 by 7 seconds. Calculate the velocity of the particle at the moment when displacement is 0 0.6 meter and value of the pi that we have to consider 22 by 7 in place of 3.14 here. So, we can say we can apply the formula V equal to. ओमेगा ओमेगा so, की वैल्यू क्या होती है ट्वेंटी टू बाई सेवन अपॉन टी की जगह रखेंगे, रखेंगे हम इलेवन बाई सेवन रूट ए स्क्वायर ए स्क्वायर वन स्क्वायर माइनस जीरो पॉइंट सिक्स स्क्वायर सो इट with the help of the calculator it will be easy for us so 2 into 7 to cancel ho gaya 11 से गया, 11 2 ja 24 तो ये आ गया 4 root 1 square minus 0.36 ठीक है तो ये कितना आ गया v 4 ये आ जाएगा आपका 0.64 यानी 0.8 यानी कि velocity कितनी आ गई 8 4 जा 32 3.2 मीटर पर सेकंड. दिस इज द आंसर ऑफ दिस प्रॉब्लम अच्छा इसको हम लोग फेजर से भी सोच सकते हैं फेजर से कैसे सोचोगे देखो आप पार्टिकल का ऑसिलेशन ले रहे हो मान लो अपन डायग्राम बना लेते हैं ये सिचुएशन है दिस इज मेन पोजीशन. एम्पलीट्यूड इज गिवन यू वन मीटर एंड टाइम पीरियड इज गिवन इलेवन बाई सेवन सेकेंड और यहाँ पे x की वैल्यू है जीरो पॉइंट सिक्स मीटर और यहां पे हमें एक्स इक्वल टू जीरो एंड एक्स इक्वल टू जीरो पॉइंट सिक्स एंगलटा दिस इज जीरो पॉइंट सिक्स वही बात ए बी एंड यू ड्रो द परपेंडिकुलर सी साइन थीटा इज गिवन यू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियज जीरो पॉइंट सिक्स ए बी इज वन सो साइन थीटा इज नोन एज थ्री बाई फाइव एंड वी ऑल नो थ्री बाई फाइव मीन थर्टी सेवन डिग्री ठीक है अब आपके पास साइन थीटा की वैल्यू आ गई अब आप यहां पे वेलोसिटी निकालोगे। ये वेलोसिटी आ गई पे ओमेगा ए। तो इक्वल टू ओमेगा करोगे ओमेगा की जगह रखोगे आप टू पाई बाई टी एम्पलीट्यूड इज एम्पलिट्यूड तो टू इंटू पाई की जगह ट्वेंटी टू बाई सेवन टाइम पीरियड इज इलेवन बाई सेवन एम्पलिट्यूड इज वन ट इट विल बी फोर मीटर पर सेकेंड अब इस ये एंगल थीटा है तो बाय डिफ़ॉल्ट ये भी थीटा होगा ये थीटा है तो यह नाइन माइनस होगा ये एंगल कितना हो जाएगा थीटा तो एस एच एम के लिए जो वेलोसिटी का पार्ट रेस्पॉन्सिबल होगा कौन सा पार्ट रेस्पॉन्सिबल होगा ओमेगा ए कोस थीटा ही रेस्पॉन्बल होगा तो वेलोसिटी इज गिवन बाई ओमेगा एस थीटा ओमेगा की वैल्यू कितनी आ गई फोर साइन थीटा इज़ थ्री बाई फाइव कॉस थीटा इज़ गिवन कोई फोर बाई फाइव यानी सिक्सटीन बाई फाइव एंड यू विल सॉल्व इट अगेन यू विल गेट सेम आंसर दैट इज थ्री पॉइंट टू मीटर पर सेकेंड